वेलकम बैक टू माई अदर ब्लॉग पाशा स्ट्रीट फूड। और आज हम लोग आए हुए हैं साजिद सुलेमानी टी शॉप पर, और आज हम यहाँ की चाय और साजिद भाई की जो स्टोरी है, इसके पीछे की जो जर्नी है, आज हम वो मालूम करना चाहते हैं। और यहाँ पर भी मैं आया हूँ कुछ वीडियोस देखकर, तो उन तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने साजिद भाई की स्टोरी सोशल मीडिया पर डाली। और तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर आकर आप अपना रिव्यू दे सकते हो, और मैं भी यहाँ पर आपका साजिद भाई का जो टी रहेगा, लाइक डिकॉशन रहेगा, उसमें वैरायटीज़ है, वो वैरायटीज़ का टेस्ट करूँगा और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी यहाँ पर आ सको और आप लोग भी यहाँ पर आपका जेन्यून फीडबैक दे सको। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि मैं यहाँ का लोकेशन, साजिद भाई की स्टोरी, हिस्ट्री यहाँ पर सभी आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग मिलने वाले हैं साजिद भाई से। तो ये है हमारे साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो साजिद भाई से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, जो उनका मिजाज है, जो मिलने का तरीका है, जो कस्टमर को सर्व करने का तरीका है, दैट इज़ वेरी लाइक एकदम, जो बोलते हैं ना घर में, हैदराबाद में जब कोई अगर घर पर मेहमान आता है, जो मेहमान नवाजी होती है, तो ये होटल पर भी आपको वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि होटल है तो आपको एक होटल के साथ सर्व किया जाएगा, आपको एक मेहमान नवाजी का आपको पूरा लुत्फ़ डिकॉशन और चाय के साथ आप यहाँ पर ले सकते हो। तो साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया है, आपका शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं। तो साजिद भाई, मैं जो आपकी वीडियो देखा उसमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर आप एक जर्नी है आपकी, इसके पीछे जो शॉप है इसके पीछे एक जर्नी है, और उससे आप आज यहाँ पर हो, तो आप एक बार बता सकते हैं व्यूअर्स को। कल जो है सो मैं 2017 में 16 में जो है सो गाड़ी पे फिर के बेचता था जी, घर घर चबूतरा जाके, अपनी गोल सिटी में जाके सबको डिकॉशन देता था जी। देते कंटिन्यू शादियों के ऑर्डर इक्का दुक्का आने लगे जी। उसके बाद जो है सो थोड़े बहुत लोग आज सपोर्ट करे, आज ये दुकान डाला रैन बाज़ार चमन जी, SBI ATM यूसुफ एंड टेलर रैन बाज़ार चमन के आगे आते ही आपकी साजिद सुलेमानी की शॉप है। गूगल पे भी मारे तो जो है तो साजिद सुलेमानी मैप पे भी मिल जाता। सही बात, तमाम भाइयों से मेरी अपील है, आपके जरिए से तमाम भाइयों से अपील है, रैन बाज़ार पर आइए, बेहतरीन सुलेमानी नेचुरल एकदम, बालंगा जिंदा तिलिस्मत, नींबू अदरक पुदीना इलायची एक नंबर टेस्ट है, क्वांटिटी भी A1 है, आप लोग आइए पी के देखिए, आप लोग काम से सपोर्ट करिए, मुझे काम से आगे बढ़ाइए। जरूर गाइस, आप देख सकते हो ये नेचुरल टी है, जो ब्लैक टी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसको हम हैदराबादी लैंग्वेज में कहते हैं डिकॉशन। तो डिकॉशन में आपको यहाँ पर फ्लेवर से हर चीज़ है, और अगर आप रैन बाज़ार चमन जो यहाँ पर ये एड्रेस है, अगर आप यहाँ पर आके किसी को भी पूछ लेंगे कि साजिद भाई की डिकॉशन की शॉप कहाँ पर है, तो आपको कोई भी यहाँ तक आपको ज़रूर पहुँचा देगा। ठीक है, तो इसमें आप अगर लोकेशन चेक करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, और यहाँ का जो फ्लेवर है वो ज़रूर मैं यहाँ पर जो है आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा कि जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, और उसका जो टी का जो सर्विंग स्टाइल है, हर चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो एक साजिद भाई एक शेर बोलना चाहते हैं, तो मुलाहिज़ा फरमाइए। मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, आगे बढ़िए, हाथ रो या मत रो, हिम्मत रखिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए मेरे भाई, एक दूसरे को सपोर्ट करने से अल्लाह भी खुश होता। बेशक बाबा, बहुत ही लाइक खूब। और भाई जो इसमें अल्फाज साजिद भाई ने जो यूज़ किया ना, अगर आप उसके ऊपर अगर गौर फरमाओगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी, ये जो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है, आप तमाम से रिक्वेस्ट है आप भी शेयर करिए आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आप यहाँ पर आके आप ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का टेस्ट मैं जैसे अभी तक सुना हूँ बहुत ही अच्छा है। तो अवार्ड भी दिया, सुलेमानी टी का खिताब या जिसे कहा जाता है किंग का अवार्ड भी साजिद भाई को मिल चुका है, तो आप सोच सकते हो कि कितना टेस्ट होगा और कितनी फेमस यहाँ की डिकॉशन और चाय होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा, मैं चाय का रिव्यू और डिकॉशन का टेस्ट चेक करूंगा और आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका टाइम देने का, शुक्रिया बहुत। सो गाइज, ये हमारी चाय जो कि ज़ाफ़रानी चाय जिसे कहा जाता है, ये वो वाली चाय रहेगी यहाँ की, जो कि सबसे स्पेशल चाय जिसने कस्टमर्स ने मुझे बताया पर्सनली, फिर साजिद भाई ने तो बताया था मुझे, आते ही बताया था कि यहाँ पर की चाय जो रहेगी बहुत ही अलग टेस्ट रहेगा, सबसे डिफरेंट रहेगी, और साजिद भाई को इस चीज़ के लिए अवार्ड भी मिला है, लाइक किंग टी किंग का अवार्ड भी मिला है इस चीज़ के लिए। तो ज़रूर मैं इस चाय को ट्राई करूँगा और आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा। तो गाइस जस्ट बी अवेलेबल। वाह यार, एकदम लाइक ऐसा फ्लेवर नहीं है कि जो नॉर्मल होटल्स में मिलता है या फिर जहाँ पर मिलता, वैसा इसका टेस्ट नहीं, एकदम थोड़ा हटकर टेस्ट है, इसमें केसर का फ्लेवर है, इसमें
क्रीम का टेस्ट है और दूध जो पका हुआ रहता है, लाइक नॉर्मल दूध जो रहता है उसका ऐसा टेस्ट नहीं आता है। जो सबसे ज़्यादा दूध को पकाते हैं उसके बाद जो उसका एक अलग ही टेस्ट और उसका एक अलग ही कलर जो आता है, वैसा इसमें टेस्ट आ रहा है। दैट इज़ वेरी ग्रेट। और इसमें एकदम चीनी, हर चीज़ एकदम जो ऐड किया गया वो एकदम लेवल में, ना ही तो कम ना ही तो ज़्यादा। तो ये थी हमारी ज़ाफ़रानी वाली चाय, जो कि ईरानी चाय से कंपेयर करते हैं हैदराबाद में, बट नॉट ए ईरानी चाय एग्जैक्टली, बट दिस इज़ अ ज़ाफ़रानी चाय। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं अभी साइड में। और इसी के साथ मैंने जैसे बताया था, एक बालंगा जो मैंने फ़र्स्ट टाइम मेरे लाइफ में चेक लाइक देखा है और टेस्ट भी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा अभी लाइफ में मेरी, जिसमें मिलाया गया बालंगा डिकाशन के अंदर विथ लेमन के साथ। तो लेमन और बालंगा ये दो चीज़ जो रहते हैं आपका फैट लेवल जो रहता है उसको कम करने के लिए, और बालंगा जो रहता है स्पेशली समर के सीज़न में अगर आप कोई लस्सी की दुकान पे जाते हो तो उसको आपको फालूदे में डाल कर देते हो, और जो नॉर्मली घर में रहता है उसके साथ आप यूज़ करते हो गर्मी से बचने के लिए। तो इसमें आपको डिकाशन में बालंगा विथ लेमन आ रहा है, तो उसका टेस्ट क्या है आई डोंट नो एग्जैक्टली, अभी मैं चेक करूँगा तो आपको शेयर कर देख कर मैं आपको इसको टेस्ट कर मैं आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए बने रही है। वाह यार अमेजिंग बोल रहा ना, एकदम अपनी हैदराबादी लैंग्वेज में बोलता हूँ भाई, कुछ भी न कहो विजिट के कैसी है बोल के बोलो तो ज़बरदस्त है भाई। ईरानी अपनी जगह पे है भैया, लेकिन ये डिकाशन बहुत भी बोले तो बहुत पसंद आई। ट्राई फर्स्ट टाइम करा लाइफ में, इसमें लेमन का टेस्ट ज़बरदस्त है, ऊपर से जो बालंगे का जो मज़ा है ना गले की ऐसा मुँह में डाल दे कि बालंगा आ रहा पहले, तो वो एक है। शक्कर इसके अंदर ज़बरदस्त, लाइक लिमिटेड में जैसा पसंद करता है एक इंसान, ये इतनी लिमिट में रहे तो भाई ज़बरदस्त दिखती है अपने भी चीज़, वैसा है इसका टेस्ट माशाल्लाह भाई। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप टेस्ट मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह, लाइक तारीफ़ के काबिल भाई। अगर मेरे से के अगर कोई कस्टमर भी अगर यहाँ पर आएगा आपके पास तो ज़रूर उसके भी अल्फाज यही रहेगा यहाँ पर आपके पास, जब भी कोई अगर कस्टमर आएगा। और ये रहेगी हमारी मसाले वाली डिकाशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टाइम पहले बहुत पीता था डिकाशन, एक नॉर्मल डिकाशन होती है जिसमें आपको मेंट लीव्स जो पुदीना के लीव्स होते हैं और लेमन रहता है वो मिलता है, और मसाले वाली बहुत रेयर मिलती है हर जगह पर नहीं, तो मसाला वाली ये रहेगी। और दूसरे फ्लेवर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिंदा तिलिस्मा जिंजर जो कि नॉर्मली कॉमन है जहाँ पर हर जगह पर मिलती, तो मैं वो ट्राई तो करने वाला नहीं हूँ ऑन कैमरा, बट ऑफ कैमरा मैं ज़रूर वो भी ट्राई करूँगा। वाओ मसाले की भी डिकाशन ज़बरदस्त है भाई, तीन चीज़ें एक साथ मैं पहली बार लाइफ में ट्राई कर रहा हूँ, देखो वो भी आप लोगों के लिए। एक तो हो गया अपनी ज़ाफ़रानी चाय, उसके बाद जो बालंगा विद लेमन आ गया मसाला चाय, तीनों का भी टेस्ट बढ़ के है भाई, एक से बढ़ के एक एक है तीनों की, लाइक आप कंपेयर कुछ भी ना कर सकते आप किसको भी, आप वो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर, सब अपनी अपनी जगह पर। साजिद भाई माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपको जो हर चीज़ में आपको तरक्की दे, और आपका कस्टमर जो है इंशाल्लाह ज़रूर आपके पास आएगा, क्योंकि आप जो बना रहे हैं ना, आप जो तरीके से आप सर्व कर रहे हैं, आप जो हिसाब से आप इसको मेंटेन कर रहे हैं, जो क्वालिटी आपके पास है, जो क्वांटिटी आपके पास है, शायद ही कहीं पर मिलेगी भाई, शायद ही कहीं पर मिलेगी। एक बार आप यहाँ पर आके जस्ट ट्राई करो, ये प्रमोशन वीडियो नहीं होती भैया, ये प्रमोशन वीडियो नहीं होती। यहाँ पर मैं जो है एक वीडियो देखा था जिसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि यहाँ का टेस्ट बहुत सबसे हटके है मालूम हुआ, उसके बाद ही मैं आके वीडियो यहाँ पर बना, अपने दिल से बना रहा हूँ, लाइक ऐसा प्रमोशन वीडियो है कुछ भी नहीं है ये। यहाँ पर आके एक बार आप ट्राई करो, ट्राई करके आप ख़ुद भी यहाँ पर रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़ ये वीडियो यहीं पर मैं ऑफ करना चाहूँगा, और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, साजिद भाई का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, साजिद भाई का नंबर मैं मेंशन कर दूँगा, अगर आपको कॉल करना है तो आप कभी भी किसी भी टाइम पर आप कॉल करके आ सकते हैं, और मैं साजिद भाई से टाइम पूछकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, इनफैक्ट इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा। साजिद भाई आपकी जो शॉप है उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? वाह सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये सर्विस अवेलेबल है हर कस्टमर के लिए, तो आप अपनी होटल अपनी दुकान अपने आसपास के लोग आपके महल्ले के लोग लाइक आपके एरिया के लोग या फिर फैमिली मेम्बर्स आप कोई भी आके यहाँ पर ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप ज़रूर आकर ये टी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और आपसे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, ये वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि
मैं आपके साथ इस प्रकार के वीडियोस और बना सकूं। बट बिफोर एंड ऑफ दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर थिंग टू साजिद भाई। साजिद भाई, क्या ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल होगी? ओके, तो गाइस अभी तो ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल नहीं है, बट एज सून एज पॉसिबल इट्स गोइंग टू बी अवेलेबल इन स्विगी एंड ज़ोमैटो। इफ यू वांट टू ऑर्डर, डेफिनेटली यू कैन डू ऑर्डर फ्रॉम स्विगी एंड ज़ोमैटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।